दोस्तों, अगर बात WWE के सबसे ताकतवर रेसलर्स की हो तो उसमें जॉन सीना का नाम हमेशा आता है। जॉन सीना वो रेसलर हैं जिन्होंने WWE के सबसे भारी भरकम रेसलर्स को भी अपने कंधों पर उठाकर नीचे पटका है। तो आइए जानते हैं जॉन सीना के 10 सबसे पावरफुल मोमेंट्स के बारे में, जहां हम लाइट वेट से शुरू करके हैवी वेट तक आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 10, डबल जर्मन सुप्लेक्स। दोस्तों, साल 2016 के नो मर्सी पेपरव्यू में हुआ WWE चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच तो आपको याद ही होगा, जिसमें जॉन सीना, डीन एम्ब्रोस और एजे स्टाइल्स शामिल थे। लेकिन एक मोमेंट पर जब एजे स्टाइल्स से डीन एम्ब्रोस को जर्मन सुप्लेक्स देने के लिए गए, तो जॉन सीना ने पीछे से आकर दोनों ही रेसलर्स को जर्मन सुप्लेक्स दे मारा। इन दोनों रेसलर्स का वजन मिलाकर लगभग 201 किलोग्राम के करीब था। नंबर 9, डबल सुप्लेक्स। साल 2009 में द लेगेसी के खिलाफ हुए मैच में जॉन सीना ने अपना बाहुबल दिखाया, जब कोडी रोड्स और टेड डीबियासी ने मिलकर सीना को सुप्लेक्स देने की कोशिश की, तो जॉन सीना ने उसके जवाब में उन दोनों को ओवर पावर करके उन दोनों को ही डबल सुप्लेक्स दे मारा। नंबर 8, सीना कॉट रोमन रिंग्स। रोमन रिंग्स का वेट 120 किलोग्राम है, जो कि अच्छा खासा वजन माना जाता है। साल 2017 के नो मर्सी पेपरव्यू में भले ही रोमन रिंग्स ने जॉन सीना को हरा दिया था, पर सीना ने भी रोमन की हालत खस्ता करके रख दी थी मैच में, 4 एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर, जिसमें एक सुपर एए भी शामिल था। पर एक मोमेंट पर रोमन रिंग्स ने जब जंप लगाया तो सीना ने उन्हें कैच करके एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया, जो कि इतना ज्यादा आसान नहीं होता हर किसी के लिए, लेकिन जॉन सीना के लिए सब कुछ आसान रहा। नंबर 7, ब्रॉक लेसनर। बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का वजन 130 किलोग्राम के करीब है, और जॉन सीना उन्हें आसानी से लिफ्ट करके एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे सकते हैं। वहीं ब्रॉक लेसनर को उस मोमेंट पर संभालना जब जॉन सीना खुद ही गिरने की कगार पर हो, नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन साल 2014 के नाइट ऑफ चैंपियंस में जब मैच की शुरुआत हुई, तो सीना ने लेसनर को उठाकर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया था, जहां सबको पहले यही लगा था कि जॉन सीना गिर जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने ब्रॉक को आसानी से संभाल कर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया। नंबर 6, मार्क हेनरी। मार्क हेनरी का वजन 163 किलोग्राम है, और इन्हें जॉन सीना ने कई बार एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया है। नंबर 5, ब्रॉन स्ट्रोमन। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन का वेट लगभग 175 किलोग्राम के आसपास है, और जॉन सीना ने इन्हें भी कई बार एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया है। नंबर 4, बिग शो। दोस्तों, द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट एथलीट बिग शो एके पॉल वाइट आज के समय लगभग 174 किलोग्राम के वेट के हैं, पर जॉन सीना ने बिग शो को तब भी उठाकर पटका था जब उनका वजन 230 किलोग्राम यानी कि 500 पाउंड से भी ज्यादा का था। नंबर 3, विसरा। दोस्तों, जायंट विसरा, जिनको हम बिग डेडी वी के नाम से भी जानते हैं, इनका वजन करीब 221 किलोग्राम के आसपास का था। साल 2014 में 43 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। जायंट विसरा को भी कई बार जॉन सीना ने उठाकर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया है। नंबर 2, लिफ्टिंग 2 रेसलर्स। दोस्तों, जॉन सीना ने कई बार 2 रेसलर्स को एक साथ भी उठाया है, जैसे ट्रिपल एच एंड एच को, शॉन माइकल्स एंड रैंडी ऑर्टन को, लेकिन सबसे ज्यादा वेट जॉन सीना ने रसलमेनिया 25 में उठाया था, जहां उन्होंने एज और बिग शो को एक साथ अपने कंधों पर उठा लिया था। उस समय बिग शो और एज का वजन मिलाकर करीब 353 किलोग्राम का था। नंबर 1, द ग्रेट खली।
दोस्तों साल 2007 में द ग्रेट खली का वजन 191 किलोग्राम था। मार्क हेनरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि द ग्रेट खली एक ऐसा रेसलर है जिसे उठाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। WWE के इतिहास में गिनती के कुछ ही रेसलर्स हैं जिन्होंने आज तक द ग्रेट खली को उठाया है, और इस लिस्ट में जॉन सीना का नाम भी आता है। जॉन सीना ने कई बार द ग्रेट खली को अपने कंधों पर उठाया और कई बार उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया है। ज़्यादातर रेसलर्स के लिए द ग्रेट खली को उठाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि उनकी हाइट और वेट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थे। तो दोस्तों जॉन सीना के इन द सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।